खबर पन्ना से, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा अंतर्गत आने वाले सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होकर गरीब कल्याण सुशासन दिवस के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनता जनार्दन को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के राज्य में भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं हर घर में लागू है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कक्ष में सेवा के को लेकर के ध्यान पूर्वकों का सम्मेलन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान, प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्ट्रीट वेंडर, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, कन्यादान, पूरे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री आज उनके खबर मथुरा से, जहां द्वारकेशपुरी कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों द्वारा एक नौकरी के आंख में मिर्च का पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल द्वारकेशपुरी कॉलोनी निवासी प्रभुदयाल एडवोकेट का नौकर मोतीलाल शानी का माल थैले में लेकर अपनी दुकान के लिए लौट रहा था। इसी बीच अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर उसके चांदी का थैला लूटकर फरार हो गया। वही लूट की सूचना नौकर ने अपने मालिक और थाना गोविंद नगर प्रभारी को दी। थाना गोविंद नगर प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, क्या घटना हुई है? मैं बारापुरा से माल लेके आया हूँ, ढोल पैसे। किस चीज का माल था? चांदी का माल है। लेके जा रहा था और जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ, जैसे ही दो आदमी मेरे को आगे से मेरी रोक लिया, मेरे पीछे वाले की गेट बंद है, आगे वाले चलाने वाले ने मेरी आंखों में नशे डाल कर मेरे मुझसे थैला ले गए। किसका मार रहा? कहाँ काम करते हैं? द्वारकेश कॉलोनी प्रभुदयाल गुप्ता एडवोकेट। हाँ, खूब पूरा मचाया मैंने, अभी पकड़ में नहीं आया। नहीं, कोई बंदा पकड़ में नहीं आया। घटना की जानकारी पुलिस को दी? अभी मेरी जानकारी नहीं है, मेरे मारे को अभी बता दिए। सभी दो मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे चलते में उनके स्कूटी से स्मैश कर लिया और भागने लगे। जो पुलिस है उन्होंने दौड़ के पीछा भी किया, पकड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे भ्रष्टाचारियों पर कितनी लगाम कस ले, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले तनिक भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक की, तो यहां तो कलम जब चलती है जब जेब के अंदर मनाई जाती है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हापुड़ की वीडियो की वायरल हुई है, जहां पर खुलेआम साहब लेन देन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के पास पैसे से वो वैसे भी परेशान है, लेकिन यहां तो साहब चलते हैं जब जब जेब में मलाई गिर जाती है। गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के कर्मचारी ने सारी हदें पार कर दी है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर कैमरे में तस्वीरें कैद हुई, रिश्वत लेते हुए ये कारनामा कैदमे में कैद हो गया है। अब देखना ये होगा कि हापुड़ अफसरशाही क्या कार्रवाई कर पाती है, क्या इसी तरीके से आम जनता के साथ ऐसे ही कारनामे होते रहेंगे या ठोस कदम भी कोई उठाया जाएगा। खबर बस्ती से है, जहां बैंक लोन चुकाने के विवाद में कलयुगी बेटे ने फावड़े से वार कर बाप को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक के नाम पर आरोपी पुत्र रणधीर ने बैंक से लोन ले रखे थे, जिसे मृतक बैंक लोन जमा करने का आरोपी पुत्र पर दबाव बना रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दो महीने पहले हमको और उसके चलान काट दिया है, वो अभी हम सुने नहीं करी है शायद, और काबला आज भी कुछ हुआ नहीं है। आज काबला मैदान करे जाता रहा ना, हमके मैदान करने के लिए कौन जा रहा था? ससुर लगे, आपके ससुर? हाँ, बाद मार रहे हैं। किस चीज से मारे हैं? कुदाल से। कुदाल से मारे? हाँ, कुदाल से मारे हैं। कहाँ पे चोट लगी है, किस जगह? कुदाल से लगा, निकल गया। अच्छा, सर फट गया है? निकल गया।
अच्छा, ये लड़ाई क्यों होती थी, कोई कारण इसका रहा होगा रंजेश? ये लड़ाई इसलिए हो रहा है, धन के लिए हो रहा है। हाँ, कि हम 2 महीने पहले जैसा आपने बताया कि मार हुआ था, तो क्या कौन कौन थे इस मुद्दे को लेकर मार हुआ था? डंडा लेके मारे राणा। कौन कौन? रानू, भानू, सुधीर, गोलू। अब दिनांक 12/6/2023 को थाना लालगंज अंतर्गत ग्राम सोहनपार से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धिराम उम्र 65 वर्ष, जिसको उसके पुत्र सुधीर उम्र 48 वर्ष द्वारा हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल लालगंज पुलिस, मेरे व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम। खबर शाहजहांपुर से है, जहां महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती पर नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह द्वारा नगर क्षेत्र के बिस्मिल पार्क, नगर निगम प्रांगण और शहीद पार्क में स्थापित पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक उनको नमन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान क्रांतिकारी और अमर शहीद बिस्मिल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उनके द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कार्यों को भी याद किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित थे। खबर जालौन से है, जहां अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई जारी है। बता दें कि क्रॉस चेकिंग अभियान में एआरटीओ अलीगढ़ रेंज में अभिनव कुमार ने 2 ओवरलोड ट्रक पकड़े, साथ ही उपसंभागीय परिवहन अधिकारी उमेश सिंह ने भी एक ट्रक पकड़ा। वहीं तीनों वाहनों पर 1,70,000 रुपए के करीब का जुर्माना लगाया गया। करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा से अगली खबर सामने आई है, जहां पर ग्राम पंचायत सूपा में जिलाधिकारी ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। बता दें कि ज्यादातर शिकायत चकमार्ग सेक्टर से संबंधित आई। वहीं ग्राम के ही धीरू मिश्रा के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्पताल बनवाए जाने की भी शिकायत की, साथ ही साथ जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि गांव के लगभग 20,000 से अधिक आबादी होने के बावजूद गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस मौके पर जिलाधिकारी मनोज कुमार के साथ उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, ग्राम अधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहित तमाम पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। टपकड़ा तिजारा विधानसभा में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर टपकड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दीपचंद्र खैरिया ने अपने संबोधन में क्षेत्र के प्रतिभाशाली मेधावी व्यक्तियों को कड़ी मेहनत के साथ राष्ट्र सेवा के लिए अग्रसर रहने का आह्वान किया, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर प्रतिभाओं को सम्मानित कर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, इससे अन्य को प्रोत्साहन मिलता है। हम अलवर जिले की यूं कहे पूरे राजस्थान के जो विकास कोर्स आदरणीय भंवर जितेंद्र की सोच रहे कि उसका हर क्षेत्र, छात्र वर्ग हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, सार्वजनिक जीवन का हो, आम लोगों का ऊंचा उठाने का उनका सपना था, उनके सपने को साकार करते हुए आज हमने यहाँ तिजारा विधानसभा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें हमारे 10वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे थे वो 93 बच्चे थे टोटल, उनको आज हमने सम्मानित किया। एक हमारी बेटी 99.40 जो अलवर जिले में राजस्थान में टॉप 10 में रही, उसका सम्मान किया। 3 हमारे RPSC द्वारा 3 बच्चे तिजारा विधानसभा में सब इंस्पेक्टर में चयन हुए, अंकित, अंकुर कुमार, नीरज कुमार, अल्ताफ, उनका आज हमने सम्मान किया। ये हमारा एक अच्छी भंवर साहब का सपना है कि जब तक देश के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले समय में यही अधिकारी बनेंगे, यही ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे हमारा क्षेत्र। खबर जालौन से है, जहां एसओजी सर्विलांस और जालौन पुलिस की चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ में मध्यप्रदेश का इनामिया हिस्ट्री चीटर सूरजपाल के पैर में गोली लग गई। वहीं बदमाश के 2 अन्य साथियों को 3 अवैध असलहा, 1 मोटरसाइकिल और नकदी सहित गिरफ्तार किया गया। सर्विलांस व गोहन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गोहन सहाव रोड पर बम्बी पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पर 3 व्यक्ति सवार होकर आए, जिन्हें रोका गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की गई तो 1 व्यक्ति के पैर में गोली लगी, 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। घायल बदमाश का नाम सत्यपाल सिंह गुर्जर है,
दो अन्य बदमाश भारत पचौरी व अभिनव शर्मा हैं। इनके कब्जे से 3 तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को तत्काल इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया गया। आज सुबह सुबह 3 से 3:30 बजे के आसपास जनपद जालौन के कोहन थाना क्षेत्र में गोलियों की तड़ताहट से माहौल गर्म हो गया। दरअसल इस संबंध में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक गोहन थाना क्षेत्र के गोहन हाव मोड़ पर बम्बी के पास लगाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को घेरा गया है। उनको जब रोका गया है तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया है। लिहाजा पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया। एसओजी और सर्विलांस और गोहन थाना पुलिस और माधोगढ़ क्षेत्राधिकारी नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी, मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। साथ ही उसके 2 और साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए। साथ ही एक मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर वो किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे वो भी पकड़ी गई है। उसके साथ 22,000 के ऊपर की रकम भी बरामद हुई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ उमेश पांडे ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक अलवर के भिवाड़ी में एक गुमशुदा बच्ची परिवार वालों को वापस मिली। बता दें बच्ची की गुमशुदा की रिपोर्ट BUIT फेस 3rd पुलिस थाने में सूचना दी गई थी। बच्ची घर का रास्ता भूलकर सेंटर पार्क भिवाड़ी के आसपास घूम रही थी। तभी एक निजी दुकान वाले ने देखा तो बच्ची को दुकान पर बिठा लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भिवाड़ी में ये सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों तक पहुंचाई, जिसके बाद बच्ची को परिजनों तक पहुंचाया गया। खबर प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज थाना के जंगई चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजती गांव की है, जहां पर कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सराय ममरेज तरुणेंद्र त्रिपाठी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती कौन है, कहाँ का है, कहाँ की है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। खबर हमीरपुर से है, जहां जनपद के सरीला नगर में युवाओं ने एकत्र होकर कंचन और साहिल की शादी संपन्न कराई। वहीं कन्या कंचन की शादी दादी ने बताया कि बच्ची के माता पिता बचपन से ही घर छोड़कर चले गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। लड़की का लालन पालन दादी माँ ने किया। आज शादी के मौके पर नगर के युवाओं द्वारा बारात व्यवस्था और नाश्ता खाने से लेकर उपहार में फ्रिज कूलर डबल बेड LED TV सहित अन्य कीमती सामान भी भेंट किया गया। वहीं युवाओं ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया।